शायर आले मोहम्मद जनाब गुलफाम हुसैन बाकर साहब ज़िक्र फ़ज़ाइल मसाइब मोहम्मद व आले मोहम्मद की बारगाह में अपना नजराना अकीदत पेश करेंगे। नारा तकबीर माशाल्लाह काफ़ी तादाद तशरीफ़ फरमाया बुला नाम पुकारे नारा तकबीर नारा रिसालत नारा हैदरी यक्स बा मिल के हथ बुलंद करके अली वलीउल्ला नारा हैदरी बुलंद तर सलावात जिंदा रहो खैर हो। अस्सलामु अलैकुम या आले मदद बिस्मिल्लाह अर्रहमान रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन शफीअल मुस्नबीन नबिल कौसम मुहम्मद वाले तोयबीन ताहरीन अलमासुमीन अलमुंतखबीन अलमुंतजबीन वलानल्लाहु वलादाहिम अजमईन मन यौम अदावतहिम इला यौम दीन। काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ज़य्यनु मजालसकुम बज़िक्र अली इब्ने अबी तालिब सलवात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। दुआ है मोहम्मद वाले मोहम्मद का खालिक मेरे भाइयों का ये पुरखलूस अहतमाम इसे शर्फ कबूलियत बख्श। भजन बेनियाज के साथ बेनियाजी नहीं बनती, हाथ ज़रूर बुलंद करना। मजलिस से बेहतर अल्लाह किस कायनात में दुआओं की कबूलियत की जगह ही कोई नहीं। मेरे मालिक मजलूम के अज़ादार हर किस्म की दहशत शरारत से महफूज रहे। बानियान के मालिक रिस्क में खैर बरकत अता फरमा। मोमिनीन में सलूक इत्तफाक और मोहब्बत में इजाफा फरमा। अज़ादारी के बकिया दिन खैर व आफियत से इख्तिताम पज़ीर हो। मालिक अज़ादार किसी का मोहताज ना हो। जो हाथ मज़लूम के मातम को उठता है वो किसी कमीने के सामने फैलाना ना हो। वारस अमन सरकार कायम के ज़हूर में ताजील फरमा। नारे तकबीर नारे रिसालत नारे हैदरी हुसैनियत हुसैनियत यजीदियत। एक सलवात बाजमात पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सल्ले अला। नौकरी शुरू करने से पहले मैं शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर तश्कील साहब का, अपने भाई का डॉक्टर शहबाज का, भाई जैगम का, लाला इकबाल साहब का कि देर के बाद एक बाज़ाब्ता नौकरी आपके हाँ यहाँ करने का मुझे मौका मिला है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आपको सलामत रखें शादोआबाद रखें। यहाँ ढेर सारी ड्यूटियाँ की हैं, अशरा मुहर्रम भी यहाँ मैंने पढ़ा है, जश्न भी पढ़े, मजलिसें भी पढ़ी हैं। तो मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपके चेहरों की ज़ियारत का दोबारा से मुझे मौका मिला। चार मिसरे मैं आपको हदिया कर रहा हूँ, उससे मुझे आप वसूली की रसीद दीजिएगा। तो मैं सब तो पहले तरला कर लगा, जड़ियाँ मेरिया मावं भैन धियाँ बैठिया ने ना कि तरला है मेरा, इको बार आखना है, मैं बार बार अर्ज़ नहीं करना। महिला साल मेरा ध्यान रहे, क्या जरा मेहरबानी थोड़ा जहा गुफ्तगू जरा घटाओ, थोड़ा बच्चों का शोर जरा घटाओ, मैं थोड़ा मेहमान हाँ मजलूम दादा करा, थोड़ा जहाँ मैं टाइम दे 15-20 मिनट थोड़ी मेहरबानी है जनाब। ठीक है जी, इजाजत जनाब ड्यूटी शुरू करिए। बारगाह है जी, बारगाह है शहर के उन्होंने कोणिया चो उन्होंने बारगाह में एक बारगाह है जिथे रहने वाले आज़ादारा चंगी गल सुन की जाच है, सुन के बोलन की जाच है, गल कदर की जाच है। तो उस इतमान तक खलो के तश्कील भाई मैं चार मिसरे लगा पढ़न, तो फिर चेक करा जनाब, तो जिथे जिस मासे रुक गया तो जनाब करा। मैं आख्या काश एक बार विलायत की अदावत के मरीज, अब नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा भैया। एक जो मैं पहला शुरू किया तो दाढ़ी लेंदी सी भाई, मेरी दाढ़ी चिट्टी भी होंगी है, तो जनाब जवान हो गए तुसा नहीं बोलना तो बच्चे कितने बोलना है। काश एक बार विलायत की अदावत के मरीज, फांकते खाक शिफा की तो अफाका होता।
मुर्शद नईम साहब अपना हक मांग रहा हूँ मैं, अगर मेरा हक बने। रियायत की दाद नहीं कि अपने शहर का जाकर हौसला अफजाई करो, ना मेरा हक बने तो बोलना, हक न बने तो न बोलना। तो जब 14 का वास्ता तेरे मेरे दरमियान, 14 जामन तेरे मेरे हालात मिल जाए तो बोलना, वरना आगे चलेंगे। काश एक बार विलायत की अदावत के मरीज फांकते खाक शिफा की तो अफाका होता, और जिक्र शब्बीर से मनसूब है लंगर अपना, ये न होता तो मेरे घर में भी फाका होता। वो बिस्मिल्ला करा होन लगा मैं अफांजी टोना बैठा, वो बिस्मिल्ला। सारे भाई बाजमात नारा, सलूक वाला नारा, बेसलूक का नारा नहीं। जिक्र शब्बीर से मनसूब है लंगर अपना, जिधर मेरे हालात मिलन भाई जान, जिसमें हाथ ही सलामत रहे। 14 के जिक्र में हाथ बुलंद करोगे, किसी कमीने के सामने फैलाना नहीं पड़ेगा। जिक्र शब्बीर से मनसूब है लंगर अपना, ये न होता तो मेरे घर में भी फाका होता। चार मिसरे जनाब और मुश्किल लगा पढ़न, मुश्किल लगा पढ़न। पहला दसना जाकर अंदर सौखी गल कर लगा, नहीं जाकरी आप बानी आप मेरा तोड़ा शहर ही है कि मेरे जनाजे तुम वारो सो मुतमैन होकर प्याना। मैं आख्या क्या मुतमैन मिजाज है मैसम का दोस्तो, माफ करना मीसम कोई लफ्ज नहीं, और याद रखना लफ्ज मीसम किसी का नाम भी नहीं। अरबी जुबान में मोटे बंदे को, तरोताजा बंदे को, फरबा बंदे को मैसम कहते हैं, ठीक हो गया। मैं आख्या क्या मुतमैन मिजाज है मैसम का दोस्तो, जागीर की तलब है ना माया पसंद है। चौथा मिसरा पढ़ूंगा, बात छत से नीचे रह गई, माया ही नहीं। क्या मुतमैन मिजाज है मैसम का दोस्तो, जागीर की तलब है ना माया पसंद है, और कितने हरे भरे हैं शजर इस जहान में, लेकिन उसे खजूर का साया पसंद है। हूं मेरी मर्जी का बोले मेरा भी, बिस्मिल्ला करा वीरन भाई, मेरा शुक्रिया कबूल करो। बिस्मिल्ला करा वीर जी, बिस्मिल्ला करा वीर जी, मिलके जिंदा नारा बाहर वाले मेहरबान है दरी। कितने हरे भरे हैं सजर इस जहान में, लेकिन उसे खजूर का साया पसंद है, लेकिन उसे खजूर का साया। मेरा नाम गुलफाम बाकर है, दा मजमा जानता है, किसी का छोटा भाई हूँ, किसी का बड़ा भाई हूँ, किसी का बेटा हूँ। मेरा नाम गुलफाम बाकर, ये गुजरांवाला पिंडी बाईपास लोहिया वाला गरीब खाना की इमाम बार का खादम नौकर। जितनी किताबें जाकर के पास कम अज कम होनी चाहिए मेरे पास मौजूद हैं। मंदा खड़ो के हवाला मांगे, मैं हवाला ना दूँ, मुझे मिंबर से उतार देना। मैं कह रहा हूँ सुल्तान अम्बिया का है फरमान दोस्तों, दुश्मन अली का हशर में भी मुँह छुपाएगा। हवाला मांगे बंदा, बिस्मिल्लाह करा, मुझ पे एहसान नहीं करना। याद रखना जमीन पे बारिश ना हो तो फसलें तबाह, दिल में अली ना हो तो नस्लें तबाह। बिस्मिल्लाह करा भाईजान, सलाम है भाईजान। डॉक्टर सुशील साहब सर जी, सुल्तान अंबिया का फरमान दोस्तों, दुश्मन अली का हश्र में भी मुंह छुपाएगा, गर 60 अंबिया के बराबर अमल करे इसके अली नहीं तो जहन्नुम में जाएगा। लाला जी हाथ ही सलामत रहे तेरे मजमे को, गर 60 सारे सारे मिलके बाहर वाले मेहरबान हाथ उठा दो मिलके, हैदरी। गर 60 अंबिया के बराबर अमल करे, बोगजे ये दुश्मन बुकश के अली नहीं तो जहन्नुम में। यौमे अलस्त, जिसके धया पर अली नहीं, इतों की गल नहीं पुरानी गल। यौमे अलस्त, जिसके धया पर अली नहीं, फिर उस बदनसब की जर्द जुबां पर अली नहीं। कल्याण करे आज कल्याण का अकीदा पढ़ने के लिए शहर के चंद एक बारगाह है जिनमें आपका बारगाह शामिल है। यहाँ किसी बंदे के चेहरे पे माथे पे सोच की लकीर डॉक्टर शहबाज है ही कोई नहीं। समझ ना आए तो मुझे माफ कर देना। मैं कह रहा यौमे अलस्त, जिसके धया पर अली नहीं, उस बदनसब की जर्द जुबां पर अली नहीं, और दुनिया ये पूछती है कहाँ है अली दिखा,
और मैं ये पूछता हूँ कहाँ पर अली नहीं। हाँ सलामत रहे, बिस्मिल्लाह करो। सारे बोले, सारे बोले जे नारे हैदरी। यौमे आलस जिसके ध्यान पर अली नहीं, उस बद नसब की जर्द जुबान पर अली नहीं। मुर्शिद नईम शाह जी, दुनिया ये पूछती है कहाँ है अली दिखा। थोड़ा आवाज़ खुल सकता है, थोड़ा आवाज़ इसका तेज़ हो सकता है अगर कोशिश करें तो। और मैं ये पूछता हूँ कहाँ है अली नहीं, मैं ये पूछता हूँ कहाँ पर अली नहीं। मैं आख्या जिसका बदन बना है इलाही सिफात से। मेरा बाबा सारा पढ़न तो दे ले, स्पीकर साह खिंचद पिया तो साह मेरा अगा पूरा पूरा है। ठीक है ना, तो जे वो स्पीकर खिंच के लै गया तो मैं क्या कराँगा। थोड़ा जहा तावन करे अगर स्पीकर साह खिंचद तो आवाज़ चलो ठीक हो गया, खैर हो गया। मैं आख्या जिसका बदन बना था इलाही सिफात से, तेरे मेरे दरमियान खैबर शिकन गवाह। भाई जान खैबर शिकन गवाह, गवाह उसे रखा जाता है जो मौजूद हो, जो मौके का मौजूद हो, जो आई विटनेस हो। तेरा मेरा अकीदा है अली देख रहे हैं, अली सुन रहे हैं। अली को गवाह बना के एक बंदा उठ के गुलफाम मिसरे सुने बोलने को जी नहीं चाहा। मैं समझूंगा मैं आया ही नहीं। मैं कह रहा हूँ जिसका बदन बना है इलाही सिफात से, वहदत कदा उसी के असर में ही आ गया। और तुमने जिसे नमाज में आने नहीं दिया, वो तो नमाज वाले के घर में ही आ गया। अब बिस्मिल्लाह करा, कितना शुक्रिया अदा कर सकना मेरे शहर वालों। बिस्मिल्लाह भाई, तुमने जिसे नमाज में आने जी, फिर पढ़ते हैं जनाब जी, फिर पढ़ते हैं। यह जिक्र है सिदरा के मकीनों का मुकद्दर, अगर तेरे बस में हो। फिर पढ़ दो मिसरे, ये चार मिसरे सामने आ गए। अब फांजी टाउन से लेकर लोहियां वाले से लेकर जद्दा तक, सऊदी रियालों से लेकर अमरीकी डॉलरों तक, पूरी कायनात को मुखातब कर दो। अगर तेरे बस में हो, तेरे इख्तियार में है, अगर तू कर सकता है तो जा, तुझे खुली छुट्टी है। मैं अपने सारे मानने वालों की जिम्मेदारी कबूल करता हूँ। यह जिक्र है सिदरा के मकीनों का मुकद्दर, अनवार की बारिश कोई बरसाने लगा है। जिस घर की तरफ सर को झुकाना है इबादत, जा रोक उसी घर में अली आने लगा है। बिस्मिल्लाह करा, मेरे पास लफ्ज़ ही कोई डॉक्टर शहबाज तेरे मजमे के लिए। जा रोक उसी घर में अली आने लगा है, जिसका बदन बना है इलाही सिफात से, वहदत कदा उसी के असर में ही आ गया। और तुमने जिसे नमाज में आने नहीं दिया, वो तो नमाज वाले के घर में ही आ गया। बंदे को गवाह, बंदे को मुखातब करके कहता हूँ, दिल अगर धड़कता है, सिर्फ सीने में दिल नहीं, 14 की मोहब्बत धड़क रही है। बंदे को गर्मी नहीं खा गई, हब्स खाने गया वो सर उठाए। अच्छा गुलफाम अगर नहीं करें तो होगा क्या? अली की विलायत का इनकार कर दे तो होगा क्या? आ मैं कहूँ अल्लाह की अमानत है ये हैदर की विलायत। अल्लाह की अमानत, अल्लाह कहते हैं मैं पहले खुद वली, इन्नमा वलीयुकुम अल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनु अल्लज़ीना युकीमुना सलात व यूतुना ज़कात व हुम राकिऊन। पहले मैं वली, फिर मेरा रसूल वली, तीसरा वो वली जो हालत रकू में ज़कात देता है। तीन विलायतें जहाँ गवाही देनी है तीन के देनी है। अच्छा गुलफाम अगर विलायत की गवाही ना दे तो होगा क्या? मैं करूँ अल्लाह की अमानत है यह हैदर की विलायत, खालक की अमानत में खयानत नहीं होती। और तुम दुश्मन कर्रार से रखना न ताल्लुक, इस जुर्म के मुजरम की जमानत नहीं होती। तुम दुश्मन कर्रार से, बिस्मिल्लाह जी, तुम दुश्मन कर्रार से रखना न ताल्लुक, इस जुर्म के मुजरम की जमानत नहीं होती। पढ़ना जो मैं चाहता, ज़हनी तौर पे आप मेरे करीब आ गए। आवाज़ का मसला तो नहीं, आवाज़ तो आपको ठीक आ रही है ना? आओ मैं कह रहा हूँ, उलझा ही रहा है जो रिसालत के वली से, उलझा ही रहा है। मैं इकबाल से मैं पता क्या चाह रहा हूँ, कई सालों के बाद बाज़ाब्ता नौकरी की मुझे ड्यूटी मिली है। मैं चाहता हूँ आज की मजलिस में अपने नौजवान भाइयों को, अपने छोटे बच्चों को कुछ ना कुछ मैं दे के जाऊँ। मैं कैसे मौजू की तरफ बढ़ना चाह रहा हूँ, उसके लिए चार मिसरे पढ़ रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ उलझा ही रहा है जो रिसालत के वली से, फिर
उस शख्स की किस्मत में सवेरा नहीं आया। अब तक बोले हो चाचा जी, दोनों हाथ हुसैन सलामत रखे। अब तक बोले हो अपनी मर्जी का विलायत पढ़ रहा हूँ, अली पढ़ूँ और अली वाला ना बोले हो ही नहीं सकता। लेकिन चौथे मिसरे पे अदबी एक बात है, उस पे मेरी मर्जी का बोलो तो मैं तुम्हें दुआ दे के जाऊँगा जी। इतनी बड़ी दुआ इन मिसरों पर हुई, पसरूड़ के करीब एक जगह है, वहाँ मिलाद पड़ा था, शिया सुन्नी इज्तिमा है, सीन से सुन्नी है चीन से शिया है। अल्लाह ने दोनों घरों को मिला के रखा है, दरमियान में अल्लाह ने हर्फ ही कोई नहीं छोड़ा। वहाँ लाला जी इतनी बड़ी दाद हुई मिलाद में कि मैं बता ही नहीं सकता। अल्लाह करे मेरे शहर के लोग इज्जतदार मुझे उसकी पूरी कीमत दे दें ताकि मैं दुखी ना हो जाऊँ। मैं आख्या उलझा ही रहा है जो रिसालत के वली से, उस शख्स की किस्मत में सवेरा नहीं आया और सरवर ने बताया है कि इमरान के घर में रातें कई आई हैं, अंधेरा नहीं आया। ओ बिस्मिल्लाह करा, हाथ ही सलामत रहें, चेहरे ही सलामत रहें। उलझा ही रहा है जो रिसालत के वली से, उस शख्स की किस्मत में सवेरा नहीं आया, सरवर ने बताया है कि इमरान के घर में रातें कई आई हैं। मेरे देखो ना, मैं इशा कर देंगे मुर्शद लेट, बिल्कुल तुसा परेशान नहीं होना, तुसा तसली ना इंतज़ार वाला नहीं सुनना। इंतज़ार सिर्फ एक बादशाह का जचता है, जिसका तू भी मुंतजर है मैं भी मुंतजर हूँ, और किसी का इंतज़ार नहीं करना। हाँ, सौ बार ख्याल ने सोचा है, सौ बार ख्याल ख्याल रहा, इदराक रसाई कर न सका, सपनों से भी पर्दा होता है। हम मस्त मलंग हलाली हैं, सरकार के खास मवाली हैं, पर्दा तो हटा जलवा तो दिखा, अपनों से भी पर्दा होता है। इंतज़ार सिर्फ बाहर में बादशाह का जी। सरवर ने बताया है कि इमरान के घर में रातें कई आई हैं, अंधेरा नहीं आया। कौन अबू तालिब, कौन इमरान? मैं करो कमाल शान के शाने हैं उस शहनशाह के, बिस्मिल्लाह करें। अच्छा साउंड वाले ने ठीक हो, कमाल शान के शाने हैं इस शहनशाह के। अब देखो ना कुछ बेहतर होया, कुछ मेरा साथ सौखा होया, मालिक मेहरबानी फरमाए। कमाल शान के शाने हैं इस शहनशाह के, शाने के नुआंदे ने अपने सारी खड़ोता ना वोडियन। मैं आख्या कमाल शान के शाने हैं इस शहनशाह के, ये नक्शे पा में सजाए सरोश रहता है। बेटा मेरा देखो ना, मेरा वीर मेरा देखो ना यार, दाएं बाएं ना देखो, मैं पढ़ूँ सरकार अबू तालिब। कौन अबू तालिब? जो अली जैसे कुल्ले ईमान का भी बाप है। मेरी कोई हैसियत नहीं, मेरी कोई औकात नहीं जाती कि मैं उसका ईमान साबित करता फिरूँ। मैं कौन होता हूँ जो बैज़तुल बलद है, अमीन हरम है, कुलीद बरदार काबा है, खादम हुज्जाज है, निगहबान नबुव्वत है, मस्दर इमामत है, अबुल आइमा है। अब जैनी तौर पे आप मेरे करीब आ गए जहां मैं आपको लेके जाना चाहता हूं। मैं आखे कमाल शान के शाने हैं इस शहनशाह के, ये नक्शे पा में सजाए सरोश रहता है। देखना इधर है शाह रिसालत, इधर इमाम अजल, इधर है शाह रिसालत, इधर इमाम अजल, अली का बाप विलायत बदोश रहता है। ना 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 दुख लगा मुझे, अली का बाप विलायत। लो मैं कोशिश और करना, बंदे तक या आवाज़ नहीं पहुंची या पूरा पैगाम नहीं पहुंचा, मैं कोशिश और करना। मैं क्या तूने समझा ही नहीं तालिब के बाबा का हदफ। तवज्जो, दुआ को हदिया करो। तूने समझा ही नहीं तालिब, आवाज़ डबल पे होंगी, इको ज़्यादा हो गई मेरा हाल है। तूने समझा ही नहीं तालिब के बाबा का हदफ, इसने पाया रिस्क की तकसीम पे मामूर कफ। कब किसे कहते हैं हाथ को, यानी रिस्क तकसीम करने वाला हाथ है अबू तालिब का। अल्लाह करे मैं समझा लूँ, मालिक मदद करना। तूने समझा ही नहीं तालिब के बाबा का हदफ, इसने पाया रिस्क की तकसीम पे मामूर कफ, और दो जहां में सिर्फ ये इमरान का एजाज है, एक जानू पर मदीना, एक जानू पर नजफ।
पहुंचे हो ना, अब पहुंचो मेरी मर्जी के। एक जानू पर मदीना, एक जानू पर मदीना, एक जानू पर नजफ। मुसलमानों, अली की दुश्मनी में क्या किया तुमने? अली की दुश्मनी में क्या किया तुमने? क्या खुदा के नूर को जुल्मत के दामन में छुपा डाला? मेरा हो गया आपसे वादा, ठीक है? 10-15 मिनट अच्छी तरह सुन के आपने मेरा साथ छोड़ के पीछे हट गए। आओ, मैं आपको बाजमात करना चाहता हूँ। दिल की धड़कन पे हाथ रख, मैं कह रहा हूँ, मुसलमानों, अली की दुश्मनी में क्या किया तुमने? खुदा के नूर को जुल्मत के दामन में छुपा डाला। ये कमजरफी है या के सरफे नजर, कुछ तो समझाओ हमें। हलीमा याद रख ली, अबू तालिब भुला डाला। हाय हाय हाय, हाँ हलीमा याद रख ली और अबू तालिब, तेनू कह दी जल्दी मुन दस सही की मसला है, कि तरशार याद लैने थे। तूने समझा ही नहीं तालिब के बाबा का हदफ, उसने पाया रिस्क की तकसीम पे मामूर कफ। दो जहां में सिर्फ ये इमरान का एजाज है, एक जानू पर मदीना, एक जानू पर नजफ। खबरदार, कलमा नहीं पढ़ा, कलमा नहीं पढ़ा, कलमा नहीं पढ़ा। अबू तालिब को कलमा पढ़ाने से फुर्सत मिलती तो कलमा पढ़ता ना। जैगा मेरे पीछे चढ़ गया तो मैं सुकून नाल आराम ना खलो के गल नहीं कर सकता। आओ, मिसरा चार पढ़ता हूँ, चौथा मिसरा पढ़ूँ, बात छत से ऊपर जाए। मैं आख्या हर में हक के निगेबान को काफिर न कहो। गुलफाम क्यों आ, चौथा मिसरा सुन, अगर तेरा दिल इसके बाद करे, भाइयों से कह रहा हूँ तेरी मर्जी। हर में हक के निगेबान को काफिर न कहो, दीनों ईमान के ईमान को काफिर न कहो। अव्वलियत है खतीजा को सभी माओं में, कम से कम माँ के निकाह खान को काफिर न कहो। हक बना, नहीं समझ आई मैंने क्या कहा? हर में हक के निगेबान को काफिर न कहो, दीनो ईमान के ईमान को काफिर न कहो। बिस्मिल्लाह करा, हाथ ही सलामत रहे। अव्वलियत है खतीजा को सभी माओ में, कम से कम माँ के निकाह खान को काफिर न। कुरान क्या कहता है? माँ का ना मोहम्मदन अब आहद मर रजाल। खबरदार, मोहम्मद तुम मर्दों में से किसी का बाप नहीं। भाईजान हाथ ही सलामत रहे। लाला जी पहुंचे, बुजुर्ग पहुंचे। तुम में से किसी का बाप नहीं, तुम में से किसी का बाप नहीं। ऐसा नहीं कि किसी का बाप नहीं। चाचा जी ढेर सारी ड्यूटियां मैंने की हैं जी, ऐसा नहीं कि किसी का बाप नहीं। अल्लाह कुरान में कहता है मोहम्मद तुम मर्दों में से किसी का बाप नहीं। दूसरी जगह क्या कहता है? फकुल तालु नदु अबना नावा बना कम। हबीब ईसाइयों से कह तू अपने बेटे ले आ, हम अपने बेटे ले आते हैं। फिर क्या हुआ याद रखना, आज की मजलिस का पहला जुमला जो नौकर देख के जा रहा है, हसनैन मोहम्मद के कुरानी बेटे हैं। आए दोनों हाथ, भाई सलामत रहे। बेटी के बेटे नहीं, भाई के बेटे नहीं, कुरानी बेटे हैं। खबरदार, मोहम्मद तुम मर्दों में से किसी का बाप नहीं। क्या गुलफाम कहना क्या चाहते हो? पूरी कायनात की उम्मत है मुसलमान, 144,000 सहाबा से लेकर सुबह अशूर तक, कोई बंदा जिस मोहम्मद को बाप नहीं कह सकता, अबू तालिब उसे बेटा कह के बुलाता। अबू तालिब उस बादशाह को बेटा कह के बुलाता है, अबू तालिब उसे बेटा कह के बुलाता है। गुलफाम क्या कह रहे हैं? भटको न सकीफे के अंधेरे में खुदारा, भटको न सकीफे के अंधेरे में खुदारा, कुरान की सुनो मस्जिद यजदान को समझो, कुरान की सुनो मस्जिद यजदान को समझो। ये 14 जमाने में तारुफ है खुदा का, इन सब को समझना हो तो इमरान को समझो, इन सब को समझना है तो इमरान को समझो। वीर मेरा मर्जी ने बोल दिया तो मैं चार मिसरे वीर पढ़ के सुनाना। मैं कह सीने में अगर हजरत इमरान नहीं है,
भाईजान सलाम, इतनी दूर से आपका हाथ उठा देना मेरे लिए काफ़ी है। सीने में अगर हजरत इमरान नहीं है, ये तय है वहाँ कुफर है, ईमान नहीं है। सीने में अगर हजरत इमरान नहीं है, ये तय है वहाँ कुफर है, ईमान नहीं है। और सरवर के निकाह खान से हो जिसको अदावत, मर जाए मुसल्ले पे मुसलमान नहीं है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, मर जाए मुसल्ले पे मुसलमान, मर जाए मुसल्ले पे मुसलमान नहीं है, मर जाए मुसल्ले पे मुसलमान। सुल्तान शम्स बैठे थे अपने मुरीदों के दरमियान। आओ सर जी, बस फजाइल की जनाब जो आखिरी बात कर रहा हूँ ये सुनो, और जुमला एक मुसाहिब का, ठीक है सर जी। सरकार शम्स वलियों के ताजदार, मुल्तान की शहनशाह शख्सियत, सरकार शाह शम्स बैठे थे मुरीदों के दरमियान, तो कह दिया एक सवारी ने पूछ लिया, मालिक कब रोज़ कहते हैं अली के फजाइल सुनाते हैं, ये बताएं अली कब से है। सवाली सवाली बन के जुमले की दाद मांग रहा हूँ, अली कब से है। फरमाया खामोश, कब का लफ्ज बाद में पैदा हुआ, अली पहले था। दो मिनट, सिर्फ दो मिनट का फजाइल सारे भाई आखिर तक। हैदरी, कब का लफ्ज बाद में आया, अली पहले से था। फरमाया मालिक कुछ तो बताएं। फरमाया हाँ सुन, ता सूरत पैवंद जहां बूद अली बूद, ता नक्श जमी बूद जमा बूद अली बूद, हम मवलो हम माखरो। नौकर कहता तर्जुमा तर्जुमा करा, शाह शम्स का तर्जुमा सुनाऊं। फरमाते हैं सुन, तारों ने अभी आंख न खोली थी अली था। तारों ने अभी आंख न खोली थी अली था, दाता था सवाली था न झोली थी अली था, न अमन का पैगाम न होली थी अली था, खालक की जुबान कौन भी न बोली थी अली था। सैयद भी हो, साहेब अकीदा जाकर भी हो, बुजुर्ग भी हो, उसकी दुआ शामिल हो तो कैसे नहीं बोलेगा। उसने कहा मालिक कुछ बताएं। फरमाया सुन, हद हो गई आदम की जबी में भी अली था, अंगुश्त सुलेमा के नगी में भी अली था, याकूब के अल्लाह पे यकी में भी अली था, यूसुफ के हसीन नक्शे हसी में भी अली था। ना 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 ना, ऐसे नहीं, ऐसे मेहनत बर्बाद हो जाए। मैं 14 के वसीले से 14वां सुना पढ़ रहा हूँ, आधी दाढ़ी मेरी सफ़ेद हो गई। मैं क्या, यूसुफ के हसीन नक्शे हसी में भी अली था। लालजी बंदियाँ तवज्जो कोई नहीं की थी। सरकार यूसुफ ने जब पहली मरतबा आईना देखा ना, हुसन के पैगम्बर ने आईना देखा, अल्लाह मेरे बाद तो अब कोई खूबसूरत नहीं होगा ना, मेरे बाद तो अब कोई खूबसूरत हसीन नहीं होगा, मुझे बना के तूने यकीनन सल्तनत हुस्न पे ताला डाल दिया है। फरमाया जबरील जी रब्बे जली, जा जा के यूसुफ से कह अपने हुस्न पे नाज न कर, तकब्बुर न कर, मैंने हुसैन का अकबर बना के अकबर का सदका उतार के यूसुफ बना दिया। सा चलता बंदा बोले भी जो सा चलता है, हुसैन का अकबर बना के जो बचा हुआ हुस्न था, अकबर का सदका उतार के यूसुफ बना दिया। यूसुफ के हसीन नक्शे हसी में भी अली था। शम्स फरमाते हैं मूसा के कवि हाथ के फन में भी अली था, झूले में वो ईसा के सुखन में भी अली था, हारून के मासूम दहन में भी अली था, कुरान के मलफूज बदन में भी अली था, नूथे न अभी उनका सफीना था अली था। आधा घंटा चाहिए मैं हजरत नूह अलैहि सलाम की कश्ती तैयार करके फिर उसे पार लगाऊं, मुझे आधा घंटा चाहिए। नूथे ना भी उनका सफीना था अली था, यसरब थे ना मक्का ना मदीना था अली था, आबद ना इबादत का करीना था अली था, अब मर जाओ ना मरना था ना जीना था अली था। मर जाओ ना मरना था ना जीना था। सरकार शम्स के कदमों में आके गिर गए सारे मुरीद, किबला कोई तो वक्त बताएं कि जब अली के दरमियान और कोई चीज थी। फरमा सुन, मलकूत महल थे न महल्ला था अली था, मलकूत महल थे न महल्ला था अली था, ना लौह कलम थे न मुअल्ला था अली था, वाहद उसी वाहद का तजल्ला था अली था,
उस वक्त अली था कि जब अल्लाह था अली था। मुहर्रम की मजलिस न होती तो यहाँ छोड़ के चला जाता। चार दिन रह गए मोहम्मद की बेटियों के उजड़ने। उलमा कहते हैं मुहर्रम की मजलिसों में जो जाकर फजाइल पढ़ के छोड़ जाए ना, उसे रोक के पूछो ज़रूर तूने अली की बेटियों का उजड़ना क्यों नहीं पढ़ा। खुश नसीब हो कोई मेहमान 10 किलोमीटर 15 20 50 किलोमीटर से आए बैठे। अगर याद रखना इस मजलिस में कुछ मुसाफिर बड़ी दूर से आते हैं। डॉक्टर साहब दूर से आते हैं और देर से जाते हैं। बिस्मिल्लाह करम अखा वस पई है ना यही मजलिस। कुरान की इज्जत की कसम एक मजलिस रख सिर्फ आंसू पे। तेरे आंसू की मंजलत क्या है? 45 मिनट वक्त दे सिर्फ आंसू पढ़ के सुनाऊँ आंसू क्या है। एक जुमला सुन, आदम से लेकर ईसा तक जिस मखदूमा की चादर को नबी नहीं छू सकते। मुर्शद अपने से छोटों की हौसला अफजाई करना बड़े दिल गुर्दे का काम है। यह सादात को जचता। जिस चादर को अंबिया नहीं छू सकते, हुसैन की माँ वो चादर तेरे रुखसार से मस करती। क्यों? मजलूम के जख्मों की दवा बनते हैं आंसू। वक्त में ढेर सारा पड़ गया, तफसील का वक्त नहीं। किताब का नाम है मक्तल लहूफ, लिखने वाले हैं सैयद अली इब्न ताऊस। वो फरमाते करबला के जंगल में हुसैन ने 3 लाशें बड़ी मुश्किल से उठाई। लाला जी एदू काल किमें कराँ? यानी हर शहीद जो गिरा, मक्तल दरबंदी कहती आयतुल्ला दरबंदी, उसने कहा मौला में गिर गया। फिर हुसैन घोड़े पर सवार हुए, जीन मुर्तजिस पर सवार होकर इस हाथ में हुसैन के घोड़े की लगाम, लफ्सों का नहीं हरफों का जामन, इस हाथ में बाबा की तलवार। बाबा नईम शाह हर शहीद की लाश लेने के लिए ना बतूल के मुसाफर बेटे को जैगम जंग करना पड़ी। अब अंदाजा कर असर का असर अशूर 10 मुहर्रम का दिन 61 हिजरी कितने घंटे? कम अज कम 72 घंटे का दिन था 10 मुहर्रम का 61 हिजरी का। हर शहीद को हुसैन लाए, जंग करके लाए, फौजों को दूर दूर हटाया। चाचा बूटा जाफर साहब फिर क्या किया? तलवार को मैदान में रखा। इज्जत हुसैन की कसम किताब के लफ्ज ये हैं, एक हाथ से शहीद को उठाया, उसे गोद में रखा, फिर गंजे शहदा में ला कर रखा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीउन वलीउल्लाह। 3 लाशें ऐसी हैं जो मैं गिन के बता रहा हूँ। इन्होंने आवाज़ दी, बतूल के बेटे को घोड़ा नजर नहीं आया। है 6 मुहर्रम को नहीं रोएगा तो कब रोएगा यार? पहली लाश उस शहीद की है जिसकी शहादत मुर्शद पढ़ेंगे, जिसके आश्रय पे मोहम्मद की बेटियों ने मदीना छोड़ा। जाकिर भी किसी तहजीब तरीके का नाम है। जब बरामगी होनी है तो मैं क्यों शहादत शुरू करूँ? पहली शहीद लाश उस शहीद की जिसके आश्रय पे अली की बेटियों ने मदीना छोड़ा। बड़ी मुश्किल से गरीब पहुँचा गाजी की लाश पे। एक जुमला कह दूँ? एक जुमला भाई जान, एक जुमला बिल्कुल। लिखे उलमा ने, हमने बुजुर्गों से सुना, गाजी ने कहा था मेरी लाश खैमे में न लेके जाना, मैं असगर के बचने की सबील नहीं कर सका। किताब का नाम है ज़िक्रुल अब्बास। अल्लामा नजम फरमाते हैं गरीब की मजबूरी दूसरी बन गई। गाजी इतने हिस्सों में तकसीम था, जहाँ से हुसैन उठाता था गाजी बिखर जाता था। बस 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 बड़ी मुश्किल से खाली अलम लेके ना आया हुसैन, लाश नहीं हुसैन ला सका। दूसरी लाश उस शहीद की है जो हुसैन की बेटी का मुकद्दर है। दश्त नैनवा का धूला, हसन की कबर का चराग, फरवा के बुढ़ापे का सहारा, 13 साल का कासम। उलमा फरमाते हैं ये वो शहीद है जिसे रुखसत करते हुए हुसैन को 3 मरतबा घसाया। करबला के जंगल में ये वाह शहीद, और मेरा नौजवान दोस्त कभी न रोना पड़े। हाय के हुसैन तेरी आंखों को अपने गम के अलावा किसी गम पर रोने पर मजबूर न करे, जिसे हुसैन ने सफेद रंग का कफन पहना के भेजा। कासम खैमों से निकला जो हुसैन की बेटी फातिमा कुबरा। माओ बहनों बेटियों, जुमला तेरे हवाले करूँ तेरे हिस्से का है। हुसैन की बेटी ने खैमे का पर्दा हटा के कहा एक मरतबा, चचाजाद मेरी बात तो सुनना जा रहे? फरमाया करीम कमीने हरामजादे मेरे चचा को बुला रहे हैं।
मैं हसन का बेटा हाशमी गैरत गवारा नहीं करती को मेरे चचों को बुलाए, अब मैं रह नहीं सकता। हुसैन की बेटी फरमाती है अच्छा माशर में मुलाकात, माशर में होंगे करोड़ों लोग अरबों लोग, अब मैं तो वह कैसे पहचानूंगी। और फरवा के बेटे ने सफेद रंग के कफन को जगह जगह से फाड़ना शुरू किया, कहा कोबरा हर शहीद का कफन सलामत होगा, जिसका कफन फटा होगा वो तेरा कासिम। गरीब आया मैदान में, तश्कील भाई गरीब मैदान में आया, चादर बिछाई करबला की गर्म रेत पे, एक टुकड़ा रखा, देखा एक टुकड़ा पहले से पड़ा हुआ है, टूटी हुई कमर पे हाथ रख के गरीब कहते अकबर मेरी आंखों का नूर ले गया, गाजी मेरी कमर तोड़ गया, जुमला फिरमाओं के हवाले, इस आलम गुर्बत में कासम की लाश इकट्ठी करने के लिए मेरी मदद कौन कर रहा है। एक मस्तूर की आवाज है हुसैन दादियों का पोते प्यारे नहीं होते, तेरी माँ जहरा जन्नत अल पकी छोड़ के, जैसे कारी कुरान सीने से लगाता है ना, हुसैन आया कासम को लेके खैमों में, छोड़ दी बात, तीसरी लाश उस शहीद की जो हुसैन का नाना की शक्ल वाला बेटा था, इन आंखों से पढ़ा है असाज़र सुना है। जब अकबर की शहादत में कोई मोमन नहीं रो सकता ना, मैंने अकबर की शहादत के जुमले मुर्शद 10 मुहर्रम या 10 मुहर्रम के अलावा कभी पढ़ने की जरूरत नहीं की, पता क्यों? उलमा फरमाते हैं जब अकबर की शहादत के दौरान कोई मोमन रो नहीं सकता, हाय नहीं कहता, पर्देदारों में होती माँ पुरसा लेने, वो उस मोमन का नाम लेके कहती है तूने मेरा अकबर देखा जो कोई नहीं, ना रो तूने देखा जो कोई नहीं। वाहद शहीद है दश्ते नए नवा में अकबर, जिसे 37 मरतबा भेजा फिर बुलाया, भेजा फिर बुलाया, खत्म। आखिरी मरतबा हुसैन के कदमों पर रुका अकबर ने, सर बाबा मेरे मुकद्दर में शहादत नहीं। तश्कील भाई कितना बंदा है कह सकता हुसैन हुसैन और अकबर, अगर तेरे सीने में बर्छी न लगे नाना का कलमा मुकम्मल नहीं होता, बाबा फिर मुझे वापस क्यों बुलाते हो? हुसैन फरमाते मैं हूँ 56 बरस का बूढ़ा, तू है 18 साल का जवान, तू होता 56 साल का हुसैन, तेरा कोई 18 साल का अकबर तुझसे मौत मांगता, फिर मैं देखता तेरे कलेजे पे क्या गुजरती है। लफ्ज मेरे आखिरी 37 मरतबा भेजा फिर बुलाया, और जिस अकबर को इतनी मुश्किल से भेजा था अल्लाह जाने उसके सीने से पर्ची कैसे निकाली हो गई। गुजरांवाला गिरदोनवा में क्या रिवाज है, और किसी का जवान बेटा मर जाए और लोग तसल्ली देते हैं चाचा जी यहाँ बैठे, कोई पानी पिलाता है और कोई साया करता है, कोई कमर पे हाथ रखता है। अल्लामा दरबंदी फरमाते करबला में अजीब मंजर था, हुसैन अकबर के कातलों से पूछ रहा था मेरा अकबर, वो कोई हरामजादा हुसैन को थप्पड़ मारता, कोई कमीना तलवार का दस्ता मारता, बस अकबर की लाश पे पहुंचा नहीं पड़ता, बर्छी कैसे निकाली, सीने से लगाया, लफ्ज मेरे आखिरी, सीने से लगाया, 10 कदम चूर गरीब चला, अभी 60 कदम दूर थे खैमे, अचानक गरीब ने महसूस किया अकबर की सांसें उखड़ रही हैं, अकबर का सर धड़क रहा है, अकबर का सर सामने करके गरीब कहता हूँ मेरे चाँद जल्दी नहीं करनी, और मेरे लाल जल्दी नहीं करनी, और मैं बहनों से वादा कराया, नहीं समझ आई, मैं बहनों से वादा कराया अकबर जिंदा मिलाऊंगा, और जिंदा मिलाने का नाम आया। अकबर का मुंह फिर गया मदीने की तरफ, कहा बाबा अपनी अपनी बहनों का मुकद्दर, तू अपनी बहनों से वादा कराया और मैं अपनी बहन से वादा कराया, और मेरी बहन मदीने में मुझे आवाजें दे रही है अकबर मदीने की बहने, और मुझे देख के भाई छुपा लेती हैं। रोती हुई आंखों से दुआ मांगी भाई सफदर अली अफजफान, जो कि बहुत ज़्यादा अलील हैं, सैयद साजिदीन की इमामत का वास्ता मालिक उन्हें शिफाए।